छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। लोग घर से निकल रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूँगा कि ये तीसरे चरण के मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। फर्स्ट टाइम वोटर जो यूथ हैं उनसे भी आग्रह है कि जीवन में पहली बार आप मतदान के लिए जा रहे हैं तो आज संविधान में प्रदत्त अधिकार का पूरा उपयोग करें और देश के इस लोकसभा के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं। 11 सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है, क्या आपके आपका क्या विश्लेषण, क्या उम्मीद है? जिस प्रकार 4 लोकसभा के चुनाव में मतदान हुआ और अब 7 की तैयारी है और जैसे कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, नीचे स्तर के बूथ स्तर के लोगों से बातचीत का नतीजा है और एक एक विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ नीचे स्तर के लोकसभा और विधानसभा के टीम के साथ बैठकर जो चर्चाएं हो रही है तो ये स्पष्ट हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं उसका ऑब्जर्वर बनाया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? अब ऑब्जर्वर की जवाबदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ में 5 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया जो आज कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए यदि किसी को जवाबदार कहा जा सकता है तो भूपेश जी है। उसके बाद भी कांग्रेस में आज स्थिति ये है कि जवाबदारी देने के लायक लोग नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे और बीजेपी के नारे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में और 400 सीटें देश भर में जो नारा है वो यथार्थ में परिवर्तित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इलेक्शन ब्रेकिंग